तो दोस्तों, देखो मेरे पास एक मोबाइल फोन आया है। ये सैमसंग गैलेक्सी का A04 मॉडल है। और इस मॉडल के अंदर क्या है कि पासवर्ड लगा हुआ है। तो इस पासवर्ड को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहली बात क्या है, इसके अंदर खास बात ये है कि इसके अंदर मीडियाटेक सीपीयू लगा है। और मीडियाटेक सीपीयू लगने का मतलब होता है कि हम लोग इसको डोंगल के माध्यम से तोड़ेंगे, यूएमटी के माध्यम से। 04 मॉडल, ये मॉडल ऐसा है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे अपने यूपी में ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन ये बटे हुए हैं। लावा का भी बटा है और ये वाला भी मॉडल बटा है, सैमसंग का A04 मॉडल। इस मॉडल के अंदर पासवर्ड लगा हुआ है, तो इस पासवर्ड को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, उसका तोड़ने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं। पासवर्ड तोड़ने का तरीका क्या है, कैसे मोबाइल फोन के अंदर पासवर्ड को ब्रेक किया जाएगा? पहले मोबाइल फोन चालू हो जाए, फिर मैं आपको पासवर्ड दिखा देता हूँ। पासवर्ड दिखाने पर फिर मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। हमने मोबाइल फोन को ऑन किया। मोबाइल फोन ऑन करने के बाद ये जैसे इसमें पासवर्ड लगा है, ये पासवर्ड हमको नहीं पता हुआ है। एक बार डाल के देखते हैं, हम आपको बताते हैं एरर है। अगर इस मोबाइल फोन को बंद करना चाहते हैं, पावर ऑफ करेंगे, तो पावर ऑफ करने के बाद भी ये पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है और बंद नहीं करने देता। ऐसी सिचुएशन पर हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फोन को खोलेंगे। ये पूरे मोबाइल फोन को खोलने के बाद हम लोग इसकी बैटरी रिमूव करेंगे। बैटरी रिमूव करने के बाद फोन को हम लोग स्विच ऑफ करेंगे। पूरा फोन खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा ढक्कन को सीधा करिए और ट्विजर से बैटरी को डिसकनेक्ट करिए, ये फोन हमारा बंद हो जाएगा। बैटरी पत्ते को फिर से लगा दीजिए। स्क्रू लगा, एक स्क्रू लगा दीजिए ताकि पूरा अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, तो हम लोगों को वॉल्यूम प्लस माइनस करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, बोर्ड की पैकिंग हो जाएगी। इस समय हमने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया है। देखेंगे आपका मोबाइल फोन बंद है। हम लोग मोबाइल फोन को फिर से पैक करेंगे और मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको कंप्यूटर से प्लस माइनस बटन दबा के अगर मैं कनेक्ट कराता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा मोबाइल फोन पोर्ट बनाएगा। ये देखिए मीडियाटेक का पोर्ट बनाया, और मीडियाटेक का पोर्ट बनाने का मतलब है हमारा मोबाइल फोन कनेक्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मैं एक बार दोबारा आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। पोर्ट बनाया, पोर्ट बनाने के बाद चला जाता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद ये प्री लोडर का पोर्ट बनाया था, तो आप प्री लोडर में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखो ऑलरेडी प्री लोडर को सिलेक्ट करेंगे। प्री लोडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये तुम्हारा MT6765 CPU लगा हुआ है। अच्छा, हमको ये कैसे पता चला कि इसके अंदर MT6765 CPU ही लगा है? इसके लिए आप गूगल में जाएंगे। गूगल गूगल में यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे सैमसंग A04 E GSM Arena, ऐसा करके सर्च करेंगे तो ये मॉडल खुल जाएगा। मॉडल खुलने के बाद इस मॉडल के माध्यम से यहाँ पर GSM Arena के माध्यम से आप मोबाइल फोन का चिपसेट देख लेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो चिपसेट लगा हुआ है ये 6765 हेलियो ये लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोगों ने इसके माध्यम से चिपसेट पता कर लिया है। अब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे। MT6765 CPU ले लिया, यहाँ पर सेफ मोड फॉर्मेट FRP दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों, ये हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा, यहाँ पर समरी में सॉफ्टवेयर चलेगा। और यहाँ पर हमको क्या करना है, प्लस माइनस दबा के मोबाइल फोन को लगा देना है। ऐसे जैसे प्लस माइनस दबा के आप मोबाइल फोन लगाएंगे, आपका मोबाइल फोन मीडियाटेक का पोर्ट बनाएगा, सॉफ्टवेयर चलेगा, छोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखिए DA फेल का हमारा मैसेज आ गया है, हम लोग इसको छोड़ेंगे। अब DA फेल का मैसेज आने का मतलब है कि हम लोगों को यहाँ पर डाउनलोड एजेंट फेल हुआ है। तो यहाँ पर A04 हम लोगों ने लिया, तो एक बार इसको A04E करके लेंगे, मतलब हम लोग इसको चेंज करेंगे। फिर से हमारा मोबाइल फोन चालू हो गया है। अभी मोबाइल फोन फिलहाल फॉर्मेट नहीं हुआ है क्योंकि डाउनलोड एजेंट का मैसेज आया है।
तो हमको मोबाइल फोन को इसको खोलना पड़ेगा, और खोलने के बाद इसको बैटरी निकाल के ही मोबाइल फोन को ऑफ करना पड़ेगा। मोबाइल फोन को फिर से बंद करेंगे। बंद करने के बाद मतलब फोन को स्विच ऑफ कर लिया, तो हमने फिर से दोस्त जो हमने पहले A04 करके लिया था, हमने A04E करके ले लिया, हमने DA को चेंज कर दिया, डाउनलोड एजेंट को चेंज कर दिया। यहाँ से फिर सेव मोड फॉर्मेट FRP पे आप जाएंगे, फिर आप एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने पर यस करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर चलेगा। प्लस माइनस बटन दबाएंगे, प्लस माइनस बटन दबाने के बाद डाटा केबल लगा देंगे। जैसे डाटा केबल लगा देंगे, वेटिंग फॉर डिवाइस आएगा, फिर से आपका कनेक्ट होगा, सॉफ्टवेयर चलेगा, डी ओके। ये देखिए आपका मोबाइल फोन फॉर्मेट हो चुका है। ये मोबाइल फोन आपका फॉर्मेट हो गया है। फॉर्मेट होने के बाद देखिए जैसे मोबाइल फोन छोड़ेगा, अब आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक ऑन होगा। देखिए इसमें चार्जिंग का सिंबल बन कर गया, हमारा मोबाइल फोन ऑन हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जूम करके दिखाइए सर थोड़ा सा, ये देखिए फॉर्मेट करके मैसेज आया, ये हमारा फोन फॉर्मेट हो चुका है। ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर FRP हो चुकी है, और इस मोबाइल फोन में उत्तर प्रदेश सरकार की धजियाँ उड़ गई हैं, उसका लॉक टूट गया है। तो ये मोबाइल फोन को फिर हम लोग क्या करेंगे, बार ऑफ हो जाएगा, फिर से हम मोबाइल फोन को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। कई बार इसके केस में ऐसा भी देखा जाता है कि मोबाइल फोन की इसकी फाइल भी क्रैश मार जाती है, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट की जो फाइल आती है वो अगर लॉक तोड़ा जाता है, तो लॉक तोड़ते समय सॉफ्टवेयर करप्ट मार जाता है, तो मोबाइल फोन सैमसंग लोगों पे खड़ा होकर के ऐसे ही चिपक जाता है, तो फिर हमको मोबाइल फोन में फ्लैशिंग भी करना पड़ता है ऐसे सिचुएशन पर। लेकिन फिलहाल अभी तो फिलहाल ऐसा कोई नहीं है, मैं मोबाइल फोन को पूरा चालू करके दिखाता हूँ कि मोबाइल फोन को लॉक टूटा कि नहीं टूटा, क्या कैसे कंडीशन कैसे हुई है। और ये सैमसंग के जितने भी मीडिया टेक CPU को मोबाइल फोन आते हैं, कौन कौन से मोबाइल फोन आते हैं खास तौर पर, A04, A04E, A03S, इसके अंदर मीडिया टेक का CPU आया है, तो उन मीडिया टेक CPU के अंदर प्री लोडर का पोर्ट बनाता है, वो मीडिया टेक के सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, और आप किसी अदर सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे या सैमसंग के खुद के सॉफ्टवेयर से करेंगे तो नहीं होगा। ये प्योर चाइनीज मोबाइल फोन है, सिर्फ नाम ब्रांड के लिए सैमसंग है, इसके अंदर मीडिया टेक कंपनी का प्रोसेसर लगा हुआ है, ये मीडिया टेक का प्रोसेसर का मोबाइल फोन है। अंदर मोबाइल फोन हमारा पूरा क्या है, चाइनीज है। ये मोबाइल फोन हमारा ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मोबाइल फोन फॉर्मेट हो चुका है। स्टार्ट किया, आई एग्री, हेलो, वही सर, वाईफाई ऑन करिए, वाईफाई बंद है लगता है सर, वाईफाई। अभी हम मोबाइल फोन को हम आगे बढ़ाएंगे, अपडेट करेंगे। अभी
चेकिंग अपडेट्स का जो फीचर आया है, चेकिंग अपडेट्स को हम लोग एक बार थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये मोबाइल फ़ोन पूरा फॉर्मेट हो चुका है, पूरा मोबाइल फ़ोन खाली हो गया है। इसके मोबाइल फ़ोन के अंदर पासवर्ड पैटर्न कोई भी जो लॉक लगा था वो सारा लॉक टूट गया है, FRP लॉक है वो भी टूट गया है। अब मैं मोबाइल फ़ोन को पूरा ऑन करके आपके सामने दिखाता हूँ। ये तो एनरोलमेंट नंबर आ रहा है ना, ये एनरोलमेंट नंबर कई बार मांगने लगता है, लेकिन मुझे डब्बा बिल कई बार मिलता है। ये इसके अंदर ऐसे फिट किया जाता है, ऑनलाइन फिट किया जाता है कि नॉक्स में इसलिए फिट किया जाता है ताकि इनकी अपनी पॉलिसी होती है कि जब मोबाइल फ़ोन सैमसंग का चालू होगा तो वो नॉक्स ये वेरिफिकेशन करता है कि इन्हीं की फ़ोटो आएगी, इन्हीं का प्ले स्टोर होगा, सब कुछ में गवर्नमेंट का ही फ़ोटो आएगा। ये हटता नहीं, हम टैबलेट मारते थे तो हाँ वे हट जाते। ये देखिए खुल गया। तो ये हमारे पास ये सैमसंग का मोबाइल फोन है, जिस मोबाइल के अंदर फिलहाल लॉक टूट गया है, और ये मोबाइल फोन आपका फर्स्ट क्लास चल रहा है। ऐसे आप सैमसंग के जो गवर्नमेंट की तरफ से मोबाइल फोन बटे हुए हैं AG04, आप मोबाइल फोन का पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने सैमसंग A04 मॉडल है उस मोबाइल फोन का पासवर्ड हम लोगों ने कैसे ब्रेक किया है उसका तरीका हमने आपको समझाया है। चल हो जाएंगे। देखो आगे देखो, सिर्फ इस फोटो की वजह से, इस फोटो की वजह से ये अपना अपडेटिंग लेते हैं ताकि
ताकि मोदी योगी जी अपना फोटो, मोबाइल फोन थोड़े ना दिया, अपना फोटो बेचा है लोगों को, घर ताकि हमारे को देखते घर रहो, पहुंचे। अरे घर घर पहुंचे। युवा शक्ति अपार, फोटो मोबाइल फोन हट जाएगा। नहीं देखो, हर घर तिरंगा, ये सब एड प्रचार सब आता रहेगा। तो इस तरीके से आप जो भी मोबाइल फोन आते हैं, उस मोबाइल फोन का आप पासवर्ड तोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।